आउट हुआ विश्व सुंदरी का पिक्चर। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन के फिल्म का फोटो हुआ रिलीज। पोनियन सिल्वर पार्ट वन का फोटो रिलीज हो चुका है दोस्तों, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन काफ़ी खूबसूरत लुक में नज़र आ रही है। और वही एक इवेंट पर हमारी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि वो फिल्म के डायरेक्टर मनी रत्नम के गले मिलते हुए भी नज़र आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बाकी की खबरें बताएंगे, परंतु उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर कर लें। जैसा कि आप सब ने अभी स्क्रीन पर देखा कि फ़ोटो काफ़ी खूबसूरत थी, जिसमें जनता को दिमाग में काफ़ी क्रेज आ चुकी है फोटो देखकर दोस्तों। काफ़ी उत्साहित है जनता इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि ट्रेलर इतना खूबसूरत है, पिक्चर इतनी खूबसूरत है, तो जनता फिल्म की काफ़ी बेहद इंतज़ार कर। तो वहीं हमें ऐश्वर्या राय रजनीकांत के पैर छूते हुए नज़र आईं दोस्तों, बिना कोई झिझक के ऐश्वर्या राय रजनीकांत के पैर छूते हुए दिखीं। वेल दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर मनी रत्नम से भी ऐश्वर्या राय गले मिलते हुए नज़र आईं। और हम बात कर लें ऐश्वर्या राय की लुक की, तो वो ब्लैक ड्रेस आउटफिट में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी दोस्तों। वो आए दिन भी खूबसूरत लगती हैं, मगर उस दिन कुछ बेहद ही सुंदर लग रही थी। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म के डायरेक्टर मनी रत्नम से दौड़ कर गले मिलते हुए दिख रही हैं, और मनी रत्नम उनके पीठ थपथपाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ वीडियो में दिखाया जा रहा है कि रजनीकांत के ऐश्वर्या राय पैर छूते हुए दिख रही हैं, जिसमें उन्हें कोई भी शर्मिंदगी फील नहीं हो रही है। ऐश्वर्या राय का अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो अपने परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी शर्म के वो उनके पैर छूते हुए दिख रही हैं। तो वहीं देखें हम रजनीकांत को, तो उन्हें काफ़ी प्यार भरी नज़रों से आशीर्वाद देते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। आपका क्या कहना है रजनीकांत को लेकर, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वहीं आपको बताते चले दोस्तों कि फिल्म रोबोट में ऐश्वर्या राय और रजनीकांत दोनों एक साथ फिल्म करते हुए दिखे थे, जिसे जनता ने बेहद पसंद किया था। अब देखना यह है कि पोनियन सिल्वर पार्ट वन में जनता ऐश्वर्या राय को कितना पसंद करते हैं। वहीं अगर हम फिल्म की बात कर ले दोस्तों, तो 30 सितंबर को फिल्म थिएटर्स पर रिलीज़ हो जाएंगी। और वहीं अगर हम फिल्म की लैंग्वेजेस की बात करें, तो ये काफ़ी लैंग्वेजेस में रिलीज होंगी, जिसमें तमिल, हिंदी, नायडू, काफ़ी तरीके की लैंग्वेजेस होंगी। और अगर हम ऐश्वर्या राय की इस पिक्चर की लुक की बात कर ले, तो ऐश्वर्या राय इसमें बहुत सुंदर दिख रही हैं दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों कि ऐश्वर्या राय इसमें काफ़ी गॉर्जियस लुक में नज़र आने वाली हैं, और उनका लुक इंडियन होगा और एटीट्यूड काफ़ी हटकर होगा ऐश्वर्या राय का। अगर हम ऐश्वर्या राय के बयान की बात कर लें, तो ऐश्वर्या राय ने यह बयान दिया कि मनी रत्नम से उन्होंने फैशन और कमिटमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं। वेल दोस्तों, इस फिल्म को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपको क्या लगता है इस फिल्म कितनी कमाई करने वाली है बॉक्स ऑफिस पे? वेल दोस्तों, वो तो हमें 30 सितंबर को ही पता चल जाएगा। और ऐश्वर्या राय के इस लुक के बारे में आपको क्या कहना है, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपका काम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर देना, और लाइक कमेंट शेयर करना। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।